दोस्तों, क्या आप भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका विचार बदल जाए, क्योंकि एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके एक बहुत ही बुरी न्यूज दी है, जिसका सुनने के बाद हो सकता है अब आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का विचार त्याग दे। क्या है वो बुरी खबर, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस अपडेट के बाद फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहने वाली। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत सुरेखा। दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि अभी तक काफी ज्यादा डिमांड में था। हर कोई इस कार्ड को बनवाना चाहता था। इसके पीछे कुछ एक कारण थे जो इस कार्ड को काफी वैल्यूबल बनाते थे। सबसे पहला कारण तो यह है दोस्तों कि जब भी आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट पे कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा अदर किसी भी स्पेंड्स पे आपको फ्लैट 1.5% का कैशबैक मिलता था। लेकिन इस 1.5% के कैशबैक के रिगार्डिंग अभी पिछले हफ्ते एक बुरी खबर आई थी, जिसमें एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया कि अब ये 1.5% का कैशबैक आपको कुछ लिमिटेड कैटेगरीज पे नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और उस पर 1.5% का कैशबैक कमाते थे, तब वो 1.5% का कैशबैक आपको नहीं मिलने वाला और 15 मार्च से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता था दोस्तों, 1.5% का कैशबैक पाने के लिए लोग अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पेटीएम रेंट पेमेंट पे यूज करते और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। 1% का पेटीएम पे चार्ज लगता था, लेकिन 0.5% का फिर भी कैशबैक मिलता था। तो अगर आपकी लिमिट 50,000 रुपए है, तो अगर आप पेटीएम रेंट पेमेंट के थ्रू 50,000 की लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो पेटीएम का 1% यानी 500 रुपए का चार्ज देने के बाद भी 250 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको हो जाता था। लेकिन 15 मार्च के बाद से आपको ये प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि बैंक ने रेंट पेमेंट पर रोक लगा दी है। यानी कि रेंट पेमेंट करने पे अब आपको किसी भी तरह का कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। ये तो ऑलरेडी एक बैड न्यूज है जो कि पिछले हफ्ते आ गई थी, लेकिन इस हफ्ते एक और बड़ी बैड न्यूज आई है। दोस्तों, अगर आप अमेजोन पे ICICI कार्ड यूज करते होंगे तो आपको पता होगा अमेजोन पे जब भी कोई सेल आती है तो वहां पे हमें ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिलता है, जहां पे ICICI बैंक के कार्ड से परचेज करने पे फ्लैट 10% का कैशबैक मिलता था। तो शुरुआत में अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को उस सेल के दौरान यूज करने पे लोगों को 15% का कैशबैक मिल जाता था, 10% तो ऑफर का 10% डिस्काउंट और 5% का अमेजोन पे ICICI कार्ड यूज करने पे। यानी कि 10% की जगह लोगों को 15% का फायदा होता था। लेकिन ICICI बैंक ने उसके बाद अपडेट दिया कि अगर आप अमेजोन पे ICICI कार्ड यूज करेंगे सेल के दौरान तो आपको जो 10% का ICICI बैंक का ऑफर है वो नहीं मिलेगा। उस केस में आपको केवल 5% ही डिस्काउंट मिलेगा और 5% का कैशबैक आपके अमेजोन पे वॉलेट में मिलेगा, जो कि कार्ड का रेगुलर ऑफर होता है। अब वही सेम चीज फ्लिपकार्ट ने भी लागू कर दी है। आज तक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट पे एक्सिस बैंक के ऑफर के दौरान यूज करने पे आपको 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाता था। यानी कि अगर फ्लिपकार्ट पे कोई सेल चल रही है और वहां पे आपको 10% एक्सिस बैंक कार्ड का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस केस में अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के थ्रू पेमेंट करते तो आपको 10% वो सेल का डिस्काउंट और 5% अनलिमिटेड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड का डिस्काउंट मिल जाता था। यानी कि 15% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता था। लेकिन अब एक्सिस बैंक सियाना हो गया है, उसने इस लूपहोल को पकड़ लिया है। अब एक्सिस बैंक ने नया अपडेट दिया है। उस अपडेट के हिसाब से अगर फ्लिपकार्ट पे आप सेल के दौरान फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको 10% का एक्सिस बैंक कार्ड यूज करने वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वहां पे आपको केवल 5% का ही डिस्काउंट मिलेगा और जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का रेगुलर डिस्काउंट है, जो कि फ्लिपकार्ट पे एनी टाइम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड को यूज करने पे 5% का कैशबैक मिलता है, वो 5% मिलेगा। यानी कि सेल के दौरान अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो 10% की जगह आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा और 5% का अनलिमिटेड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अब 15% का डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला, आपको केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब आज तक जो लोग फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करके 15% का डिस्काउंट आराम से पा लेते थे, अब उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है।
आप केवल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों अब इस अपडेट के बाद मुझे नहीं लगता कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड उतना ज्यादा रिवॉर्डिंग कार्ड रह गया है, क्योंकि अब आपको अदर स्पेंड्स पर ना ही 1.5% का कैशबैक मिलने वाला है और ना ही फ्लिपकार्ट की सेल के दौरान एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अब मुझे नहीं लगता फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक उतना ज्यादा डिमांड में रहने वाला है। तो दोस्तों अब तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अब तक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिलता है तब तो आप इसे बनवा लीजिए। अगर आपको फ्री कार्ड मिल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कार्ड जब मन चाहे यूज करें, जब मन चाहे मत यूज कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं मिल रहा है, अगर 500 रुपये का चार्ज देने पे आपको ये कार्ड मिल रहा है, तो उस केस में आप सोच सकते हैं कि आपको ये कार्ड बनवाना चाहिए या नहीं। वैसे आप IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के कार्ड पे अभी भी अदर स्पेंड्स पे 2% का कैशबैक मिल रहा है। इसी महीने IDFC कार्ड से मैंने अदर स्पेंड्स किए और इस पे मुझे 2% का कैशबैक मिला। तो मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो या अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही ओवर हाइप्ड कार्ड्स हैं। इतनी ज़्यादा इनमें कोई बेनिफिट्स नहीं है जितना कि इन कार्ड्स के बारे में हाइप बनाई गई है। मेरे पास दोनों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और मेरे दोनों ही कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। वैसे अगर आप एक्सिस बैंक के कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इस अपडेट के बाद, क्या आप भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहेंगे? तो अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।